टाइगर है ये, टाइगर है, टाइगर कहाँ से लाए हैं इसको? इसको हम बॉर्डर पाकिस्तानी बॉर्डर इलाके जो है बाघा बॉर्डर उसके इलाके बाघा गांव है वहाँ से लाए, वहाँ से लाए हैं। ना दिक्कत हुआ इसको लाने में? दिक्कतें होती है क्योंकि बॉर्डर सील हो चुका है और बड़ा परेशानी होती है। क्या कुछ खिलाते हैं सबको? बस चिकन, चावल, अंडा, दही, दाल और हरी सब्जी। 2 लाख से ऊपर का डॉग, 2 लाख का ऊपर का डॉग है। कौन कौन नस्ल का है, थोड़ा नाम बताइए सब। ये कहीं चाइना के बॉर्डर से चीकू है जी, और उसके बाद पाकिस्तानी बुल्ली है, तिब्बतियन मस्टिफ है जी, और घर पे भी है पाकिस्तानी बुल्ली और नहीं लेके आए। पाकिस्तान से लेके चलाते हैं आप? उस इलाके के बॉर्डर इलाके से लाते हैं। सारे जानवर में मोटा मोटी 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च होता है। 1 से 1.5 लाख जानवर में खर्च कर देते हैं? कितने साल से आप जानवर रखते हैं? 16 साल से मेरे। हम लोग ही घोड़ा वाले हैं जो पशु मेला को बचा के रखे हुए हैं जी। और ये मेला लगता है कि थिएटर वाला मेला हो गया है, नाच गान के अलावा इसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? बिल्कुल। कैसा है यहाँ का? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। आपको बाथरूम जाना है, यहाँ बाथरूम नहीं है। बाथरूम जाना है, बाथरूम आप बताइए नहीं है। यहाँ इतनी महिलाएं लाखों की संख्या में आई है, कहाँ बैठेगी जी? रेस लगाते हैं? रेस आपको 2019 का हरदी मेला का प्रथम विजेता है। अच्छा, और कुछ वहाँ भी 11,000 रुपए इनाम मिला था और सिल्ड मिला था। 38 घोड़ों को हरा कर अपना नाम रोशन किया। 38 घोड़ों को हरा दिया? बिल्कुल। स्पीड में चलता है ये घोड़ा? ये 35-36 चलता है अभी। 35-36 चलता। अच्छा, ये कुत्ता का नाम क्या है? सूटर। सूटर है? सूटर। सूटर कहाँ से खरीदे थे? तिब्बत से इंपोर्ट कराया इसको, तिब्बतियन मस्टिफ है। कितना साल का है ये? बस 6 महीने का बच्चा है, अभी दूध का दांत भी नहीं टूटा है। इसका दूध का दांत नहीं टूटा है? कितना में खरीदे थे इसको? इसको हम 1.70 मिलाए थे और 30,000 भाड़ा लगा था, 2 लाख रुपए पर। 2 लाख रुपया लगा था। इसका नाम क्या है? ये मोहन है, ये हमारा, ये मोहन है। और आपको बता दे कि ये बेस्ट बुल ऑफ बिहार का अवार्ड भी जीत चुका है। अच्छा, अवार्ड भी जीत चुका है? क्या कुछ जी आपको जीत के दिया है? 51,000 रुपया और शील्ड पुरस्कार मिला था हमको। अच्छा, तो प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला में है, जो कि आप लोग जानते हैं, कहते हैं पाकिस्तान से कुत्ता को लाए हैं भैया जी, लाए हैं, इनसे कुछ बातचीत करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है, कैसे हैं? आपका भी धन्यवाद बहुत। कहाँ से आए हैं? मैं सीतामढ़ी जिला और परिहार प्रखंड से आया हूँ। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र यादव है। डॉक्टर जितेंद्र यादव, कहाँ आए हैं अभी जी? कहाँ आए हैं? सोनपुर मेला आए हैं। और कितने दिन से आते हैं? 16 साल से आते हैं। 16 साल है। आपका तो वीडियो खूब वायरल होता है जी। क्या क्या चीज लाए हैं इस बार? बस जो मेरा पहले से जानवर है वो है जी। और इस बार नया में आपको हम तिब्बतियन मस्टिफ डॉग लाए हैं जी। और उसके बाद जो है एक घोड़ा उक्का आया है, जो छोटा घोड़ा है, बौना घोड़ा है। बौना घोड़ा लेके आए हैं? हाँ। कुत्ता को आप दिखाइए। अच्छा, ये कुत्ता का नाम क्या है? सूटर। सूटर है? सूटर। सूटर कहाँ से खरीदे थे? तिब्बत से इम्पोर्ट कराया इसको, तिब्बतियन मस्टिफ है। कितना साल का है ये? बस 6 महीने का बच्चा है, अभी दूध का दांत भी नहीं टूटा है। इसका दूध का दांत नहीं टूटा है? कितना में खरीदे थे इसको? इसको हम 1.70 मिलाए थे और 30,000 भाड़ा लगा था, 2 लाख रुपए पर। 2 लाख रुपया लगा था। इसका मेंटेनेंस चार्ज कितना है? 20,000 रुपया महीना खर्च है उस पर। 20,000 रुपया महीना का खर्च करते हैं। कौन कौन नस्ल के कुत्ता लाए हैं इस बार? वो आपको तिब्बतियन मस्टिफ है, ये पाकिस्तानी बुल्ली का फीमेल है और ये पाकिस्तानी बुल्ली का मेल है। ये इसका मात्र 1 साल उम्र हुआ है। पिछले साल जब हम आए थे जी, पिछले साल आए थे तो मात्र ये आपको 45 दिन का बच्चा था। ये 45 दिन का? अच्छा, इसका नाम क्या है? ये टाइगर है। ये टाइगर है? टाइगर। कहाँ से लाए हैं इसको? इसको हम बॉर्डर पाकिस्तानी बॉर्डर इलाके जो है बाघा बॉर्डर उसके इलाके बाघा गांव है वहाँ से लाए, वहाँ से लाए हैं। क्या कितना दिक्कत हुआ इसको लाने में? दिक्कतें होती है क्योंकि बॉर्डर सील हो चुका है और बड़ा परेशानी होती है। क्या कुछ खिलाते हैं सबको? बस चिकन, चावल, अंडा, दही जी, दाल और हरी सब्जी भी थोड़ा बहुत। अच्छा, नाम क्या है? ये मोहन है, ये हमारा, ये मोहन है। और अच्छा, आपको बता दे कि ये बेस्ट बुल ऑफ बिहार का अवार्ड भी जीत चुका है। अच्छा, अवार्ड भी जीत चुका है? क्या कुछ जी आपको जीत के दिया है? 51,000 रुपया और शील्ड पुरस्कार मिला था हमको। अच्छा, कितने दिन से इसको रखे हुए हैं? ये आपको मेरे दरवाजे पर लगभग 3 साल हो गया जी, और 2 साल का था तो हम लाए थे। 5 साल इसका उम्र हो गया। 5 साल उम्र हो गया। इसका दाम कितना हो चुका है? कोई दाम नहीं, हम खरीद के लाए थे इसको 5,05,000 में। बेचना नहीं है हमारा, जो भी जानवर आया है यहाँ प्रदर्शनी के लिए आया है, लोगों से मिलेगा, दिखाएंगे, फिर चले जाएंगे। दिखाइएगा, फिर चले जाइएगा। आपका तो यूनिक रहता है हर एक साल। बिल्कुल। वो घोड़ा कौन सा नस्ल का घोड़ा है? सिंध नस्ल का घोड़ा है। सिंध नस्ल का घोड़ा है। कितना दाम रखे हुए उसका? कोई दाम नहीं, कोई जानवर बिक्री का नहीं है। कोई जानवर बिक्री का नहीं है। अच्छा, कितने महीने का वो घोड़ा है? वो 5 साल का हो गया। 5 साल का घोड़ा है। उसमें दांत है या उदंते है वो? नहीं नहीं, 5 साल का हो गया तो अब 4 दांत हो गया है। उसका 4 दांत हो चुका है। कौन सा नस्ल है? सिंध नस्ल। क्या कुछ खिलाते उस घोड़े को? चोकर, भूसा, काजू, मलाई, सेब, अनार जो होता है। अच्छा, आपका मोच का टाइल कुछ यूनिक दिखता है, कारण क्या है? मोच के बाजार में हम लोग रहते हैं तो मेरा मन रहता है कि मेरा मोच बड़ा रहे तो बढ़ा लिए। अच्छा, अहिर का ऐसे ही मोच बड़ा रहता है? ऐसे ही रहता है। यादव है जी ना? यादव जी है ना? आप बोर्ड देख लीजिए। अच्छा, यादव जी है, देख सकते हैं। और यादव जी, अहिर का जो है यही स्टाइल रहता है। ये कौन सा नस्ल का घोड़ा है? इधर आइएगा।
ये सिंध और मारवाड़ी का क्रॉस ब्रीड है ये जी। इसको कहाँ से लाए थे? ये आपको हम राजस्थान का जो बलोतरा मेला लगता है वहाँ से लाए थे। वहाँ से लाए थे, कितना में खरीदे थे इसको? इसको लाए थे हम 5,35,000 में जी, और लगभग 50,000 लाने में खर्च हुआ। लगभग 50,000 लाने में खर्च हुआ। कब खरीदे थे इसको? ये खरीदा हुआ मेरा 7 साल हो गया। 7 साल? चारों दांत हो गया। हम बच्चा लाए थे, जवान हो गया। जवान है पूरा। इसको रेस लड़ाते हैं? रेस आपको 2019 का हरदी मेला का प्रथम विजेता है। अच्छा, और क्या कुछ जीते? वहाँ भी 11,000 रुपए इनाम मिला था और सिल्ड मिला था। 38 घोड़ों को हरा कर अपना नाम रोशन किया। 38 घोड़ों को हरा दिया? बिल्कुल। कितना का स्पीड में चलता है ये घोड़ा? ये 35-36 चलता है अभी। 35-36 चलता है? बिल्कुल बिल्कुल। घोड़ा का जो हाईएस्ट रनिंग होता है वो कितना होता है? हमारे बिहार उत्तर प्रदेश में 37-38 से ज्यादा चलने वाला घोड़ा कोई नहीं है। कहते हैं कोई 40 चलता है, 42 चलता है, क्या रियल? हमारा 50 चलता है। मैं बोल दूं इसमें कोई कुछ जाता है किसी का बोलने में? जी। अच्छा, इसमें नाल भी लगाए हुए हैं? अभी नाल लग रहा है, हमारे जो नाल बनाने वाले हैं वो लगा रहे हैं अभी। अच्छा, ये मतलब लाथू तो भी चलाता है क्या? अब जो घोड़ा का नेचर है, जो स्वभाव है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत अच्छा स्वभाव का है। अच्छा, मरखंड नहीं है? नहीं नहीं, मरखंड नहीं है। नहीं। ये कौन सा कलर घोड़ा हुआ? ये कुमैत है। कुमैत है? हाँ, कुमैत है। इसमें कितना मेंटेनेंस चार्ज लगता है? मेंटेनेंस चार्ज बहुत है, बताइए थोड़ा। एक घोड़ा को खिलाने में 50,000 से ऊपर खर्चा है। मंथली का 50,000? बिल्कुल। कुत्ता का? कुत्ता सारे जानवर में मोटा मोटी 1-1.5 लाख रुपए खर्च होता है। 1-1.5 लाख जानवर में खर्च कर देते हैं? कितने साल से आप जानवर रखते हैं? 16 साल से मेरे। 16 साल से रखते हैं? अच्छा, सोनपुर मेला में पहले आते थे, कितने साल से आते थे? 16 साल से। 16 साल से आते थे? 16 साल पहले का मेला और अब का मेला में क्या अंतर? बहुत अंतर है। पशु मेला पर सरकार का ध्यान नहीं है जी। जो रौनकता थी पहले वो बात रही नहीं जी। हम लोग ही घोड़ा वाले हैं जो पशु मेला को बचा के रखे हुए हैं। और ये मेला लगता है कि थिएटर वाला मेला हो गया है, नाच गान के अलावा इसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? व्यवस्था कैसा है यहाँ का? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। आपको बाथरूम जाना है, यहाँ बाथरूम नहीं है। बाथरूम जाना है, बाथरूम नहीं है? बताइए, नहीं है। यहाँ इतनी महिलाएं लाखों की संख्या में आई है, कहाँ बैठेगी जी? क्या परेशानी है? बहुत सारा है, कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, क्या लगता है सर का काम? बिल्कुल, करोड़ों का टेंडर हुआ, घपला करके रख लिया मेला। लालू जी का जब राज था तो कैसा मेला लगता था? ये कहना संभव नहीं है। लालू जी के राज था या नीतीश जी के राज था, मैं इतना ही कहूंगा, राज की सरकार किसी की रहे, बेहतरीन व्यवस्था हो। चूंकि सोनपुर मेला हमारे हरिहर क्षेत्र मेला जो है पूरे देश विदेश में बिहार का नाम इसी से रोशन होता है कि भाई इतना बड़ा पशु मेला एशिया महादेश में नहीं लगता है, इसलिए सरकार का ध्यान। बिहार का दूसरा नंबर पे आ गया है, क्या कहिएगा? एशिया का नंबर वन। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि इस मेला को जो है ना प्रोत्साहन दीजिए और अच्छा से इसको बढ़ाइए और अच्छा से लगाइए। और क्या कितने कुत्ता घोड़ा लेके आए हैं इस बार? घोड़ा 3 है हमारा। और कुत्ता? कुत्ता 4-5 आया है अभी और घर है। कितने कितने का खरीदे थे आप? सब 2 लाख से ऊपर का डॉग। 2 लाख का ऊपर का डॉग है? कौन कौन नस्ल का है, थोड़ा नाम बताइए सब का। ये चाइना के बॉर्डर से चीकू है जी, और उसके बाद पाकिस्तानी बुल्ली है, तिब्बतियन मस्टिफ है जी, और घर पे भी है पाकिस्तानी बुल्ली, और नहीं लेके आए। पाकिस्तान से लेके चलाते हैं आप? उस इलाके के बॉर्डर इलाके से लाते हैं। बॉर्डर इलाके लाए नहीं है, जाना तो कैसे जाएंगे। लेकिन उसी इलाके में मिलता है, उसी इलाके में मिलता है बिल्कुल। अच्छा, देखिए आपका जो कपड़ा आपका खूब वायरल होता है ना? अरे तो शौक है पहनने का, तो कपड़ा है पहनने का, देख लोग पसंद करते हैं तो लोग पसंद हो जाता है। अच्छा, हम थोड़ा वायरल करते हैं, आप लोग बड़े हल्ला हल्ला कर देते हैं पूरा। चलो, आपका स्टाइल ही अलग आनंद सिंह व्यक्ति लगता है। आप यादव जी हैं, यादव जी का तो अलग ही रुतवा रहता है या नहीं है बताइए? एकदम बिल्कुल। और विधायक जी हमारे मेला के धरोहर है जी, जब आते हैं तो 4 चांद लग जाता है जी, समझ गए ना?